नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका लर्न मैजिक यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है स्वर्णिम पाठक और आज आपके लिए फिर मैं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक ट्रिक लाया हूँ। और इस ट्रिक को फिर से, जैसे कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं इम्प्रोम्प्टू मैजिक ट्रिक्स लेके आया करूँ जहाँ पर आपको कोई सेटअप ना करना पड़े, तो ये भी नो सेटअप मैजिक ट्रिक है। यहाँ पर भी आपको कोई सेटअप नहीं करना है, पूरी की पूरी मैजिक ट्रिक जो है वो हाथ की सफाई पर डिपेंड करती है। बहुत ही सिंपल है। एक मेरे पास ताश के पत्तों का डब्बा है। इस डब्बे के अंदर एक पत्ता है जिसकी आवाज आप सुन सकते हैं, और इस पत्ते को हम यहां पर अभी गायब करके आपको दिखाएंगे। तो पहले मैं आपको पत्ता दिखा देता हूं। ये पत्ता मैं इसके अंदर से निकालता हूं। देखिए, ये पान का एक किंग हमने यहां पर लिया हुआ है, और इसके अलावा ये जो डब्बा है ये पूरी तरीके से खाली है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। और मैं आपको इसको सामने से भी दिखा देता हूँ चारों तरफ से कि इसमें कोई भी सेटिंग, कोई भी गिमिक हमने नहीं डाला हुआ है। ये बिल्कुल एक सिंपल ताज की गड्डी का डब्बा है। तो चलिए अब इसको हम बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद हम जो है ये पत्ता यहाँ से, इस एंट्री से अंदर को डालेंगे। और अंदर डालने के बाद दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि जो पत्ता है ये इसी डब्बे के अंदर है, लेकिन अब मैं मैजिक से अपने हाथों से इस पत्ते को निकालूंगा। आपको दिखेगा नहीं ये पत्ता, बिल्कुल इनविजिबल तरीके से निकलेगा। और निकाल के इसको मैं अपनी पॉकेट में डाल दूंगा। और पॉकेट में डालने के बाद दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पत्ता है इस डेक के डब्बे के अंदर से गायब हो चुका है। वो जो है अब मेरी पॉकेट पे जा चुका है, जहाँ से मैं आपको उसे निकाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मैजिक ट्रिक? उम्मीद करता हूँ पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक कर लें दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आप ये ट्रिक किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये बहुत गलत बात है। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब ट्यूटोरियल में चलते हैं, सिखाते हैं आपको कि ये ट्रिक मैंने कैसे करी। तो ये ट्रिक्स कोई गिमिक नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। एक नॉर्मल ताश का डब्बा रखना है और उसके अंदर एक ताश का पत्ता रखना है। कोई भी पत्ता रख सकते हैं, मैंने पान का बादशाह रखा क्योंकि मुझे लगता है कि ये फोटो वाले कार्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो उसके बाद आपको पहले ये डेक हिला करके अपने ऑडियंस को दिखानी है। देखिए आवाज़ आएगी, उनको बोलिए देखिए इसके अंदर एक कार्ड है, और हिला के उनको दिखाइए। अब ये हिलाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप पहले जब पहले हिला रहे हैं तो आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जो पत्ता इसके अंदर है वो आवाज़ करता है, ठीक है। उसके बाद आप डेक को खोलिए, पहले पत्ता दिखाइए। अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप उनको इंस्पेक्ट करने को भी पत्ता बोल सकते हैं, और अगर आप कुछ ट्रिक को और पावरफुल बनाना है तो उनसे आप यहाँ पर साइन करने को भी बोल सकते हैं। आप साइन करने को भी बोल दीजिए। साइन करने के बाद आप सोचिए आप पत्ता यहाँ डालेंगे और पीछे से निकालेंगे तो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली पत्ता निकालते हैं तो उनको लगेगा कि क्या आपने हाथ की सफाई करी और यहाँ पर से डुप्लीकेट पत्ता निकाल लिया। लेकिन अगर आप साइन करा हुआ पत्ता निकालेंगे तो ट्रिक और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो चलिए, और उसके बाद आप बॉक्स को भी जो है, मेरे पास जो था ऑडियंस थी नहीं तो मैंने आपको ऐसे दिखाया था, लेकिन आप उनको इसको पकड़ा भी सकते हैं ताकि वो इसको इंस्पेक्ट कर लें, ठीक है। तो डब्बा बिल्कुल नॉर्मल है। अब आपको ये डब्बे को बंद करना है। बंद करने के बाद आपको ये कार्ड लेना है, और जिस एंगल में मैं ये कर रहा हूँ उसी एंगल में आपको करना है। आपको पहले ये कार्ड अंदर डालना है, ये दिखाना है कि देखिए मैंने कार्ड यहाँ से अंदर डाला, ठीक है। उसके बाद ये डेक को ऐसे पकड़ना है, दो उंगली से आगे पीछे और ये उंगली यहां पर, और ये हाथ ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे दिखाना है, पहले ऐसे दिखाना है, यहां से अंदर गया हुआ दिखाना है, फिर ऐसे दिखाना है, यहां से अंदर गया हुआ दिखाना है। उसके बाद आप एक बार फिर इसको ऊपर उठाएंगे, और जब आप अभी ऊपर उठा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंगूठे और इस उंगली से ये कार्ड को पकड़ना है, और इस बॉक्स को थोड़ा सा पीछे को ऐसे स्लाइड करके ये पत्ते को बाहर निकालना है, और फिर डब्बे को वापस इसके ऊपर स्लाइड कर देना है। लेकिन अब ये डब्बे से बाहर है, यानी कि कार्ड डब्बे से बाहर है और डब्बे के अंदर नहीं है। जब आप इसको फास्ट में सामने से करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहले आप सामने का दिखाएंगे, फिर नीचे का दिखाएंगे, फिर ऊपर का दिखाएंगे और बोलेंगे देखिए। इसके बाद ये देखिए अलग है। इसके बाद आपको इसे अंदर को पुश करना है। पुश करते टाइम एक चीज़ और आप कर सकते हैं, आप जब इसको बिल्कुल अंदर डाल दें तो थोड़ा सा इसको ऐसे दबा भी दें ताकि थोड़ा और इफेक्ट आए। आपको ऐसे दबाना है। अब सामने वाले को लगेगा कि पत्ता अंदर जा चुका है, अभी आपको और कुछ करना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये डेक को
ऐसे पीछे खिसकाना है, साथ में नीचे का पत्ता भी पकड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए पत्ते का साइज बिल्कुल डेक के बराबर होता है तो आपके हाथ में आ जाएगा। आपको इसको नीचे खिसकाना है और अपने पाम में इस कार्ड को पकड़ लेना है और फिर डेक को आगे खिसका देना है ऐसे। तो जब ये सामने से मैं करूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा यूं। तो अब मैं जब हटाऊंगा तो देखिए कार्ड जो है मेरे पाम में है लेकिन इस उंगली से नीचे है, तो सामने वाले को दिखेगा नहीं इस एंगल से, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डब्बे से भी आवाज निकालनी है पत्ते की, लेकिन पत्ता तो है नहीं तो आवाज कैसे निकालेंगे आप? बड़ा सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, अपनी उंगली इसमें मारनी है जब उसको शेक कर रहे हैं इस तरीके से। सामने वाले को यकीन हो जाएगा पत्ता अभी भी यहीं पर है। और फिर आप इसको अपने हाथ में रखिए, बोलिए आप देखिए मैंने यहां से निकाला पत्ता, अपनी जेब में डाला, और जेब में डालने के बाद मैं आपको खोल के दिखाता हूं। अब उनके हाथ में डब्बा नहीं देना है, कोशिश करें कि ना दें, दे भी सकते हैं लेकिन नहीं देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर वो आपके हाथ इंस्पेक्ट करने को भी मांगेंगे, लेकिन अभी वो आपका हाथ इंस्पेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा करें, डब्बे को दिखाएं और बोलें कि आपका कार्ड तो जो है मेरे बैक पॉकेट में है, लेकिन आपको जो है ये कार्ड आपके हाथ में है, आपको इसी एंगल पे ऐसे पीछे ले आना है ताकि सामने से उनको दिखे ना, और थोड़ी तेजी से ले आना है। तो इस तरीके से आप बोले देखिए आपका बॉक्स खाली है और कार्ड जो है, बस ऐसे एक्टिंग करें। आप चाहें तो बस यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। बेसिकली मैंने ऐसा किया है, ये था सामने के एंगल से आपको दिखाता हूं। ये देखिए बॉक्स खाली है, यहां पीछे डाला और बस ऐसे निकालने की एक्टिंग करी और बोला ये देखिए आपका कार्ड है।